वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हम आपको दिखा रहे हैं। सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर यह ट्रेन आईबीएल के ऊपर है, इंस्पेक्शन बे लाइन के ऊपर लगी हुई है और इसका मेंटेनेंस चल रहा है। जगह जगह पर साफ सफाई चल रही है, तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। आइए आपको हम सीधा पायलट केबिन में लेकर चलते हैं। पायलट केबिन हमने कई बार दिखाया है लेकिन आज मेंटेनेंस के चलते हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है। और इस ट्रेन की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो हेल्थ है वो एक ही जगह से देखी जा सकती है। और इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अभिनव जी, क्या कहेंगे इस ट्रेन के बारे में, यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो ट्रेन का ड्राइवर कैब है, जहाँ जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके सामने ये एक ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट रहता है, जहाँ से वो ट्रेन की पूरा जो स्टेटस रहता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम इक्विपमेंट्स, ट्रैक्शन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम्स रहते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स की कंडीशन है वो यहीं से मॉनिटर की जाती है। मतलब एक ही जगह से सारी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं, क्या क्या देखा जा सकता है? गाड़ी में अगर ब्रेक लगे हैं कि नहीं लगे हैं वो आपको यहाँ से दिख जाता है, उसके ट्रैक्शन मोटर वर्किंग में है या नहीं है वो यहाँ पे दिख जाता है, कोई भी एंडरूट अगर ट्रेन में दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट्स आती है, इवेंट्स जनरेट होते हैं, वो मतलब मेंटेनेंस स्टाफ जब गाड़ी शेड में भी आती है तो मेंटेनेंस स्टाफ इसमें देख के यहाँ से उसकी टेस्टिंग भी कर सकता है और मतलब ये अंदाज़ा भी लगा सकता है कि किस इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है, उस हिसाब से वो गाड़ी के उस पर्टिकुलर कोच को नैरो डाउन करके वहाँ पे स्पेसिफिक मेंटेनेंस दे सकता है। इससे क्या है कि हमारा जो है मेंटेनेंस में काफ़ी टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि हमें मेंटेनेंस गाड़ी जब शेड में आती है तो पहले से ही पता रहता है कि इस गाड़ी में क्या क्या मतलब सस्पेक्टेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी वंदे भारत खुद ही बताती है कि उसको कहाँ दिक्कत है, आप समझिए। और यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो अभी किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है? अभी जो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा स्टाफ लगा हुआ है ट्रेन में, वो पहले अंडर गियर में जैसे हमने दिखाया था नीचे स्टाफ जाता है चेक करता ही करता है, ऊपर से जब फाइनली जब गाड़ी का प्रस्थान करने का समय होता है उससे पहले जो गाड़ी की एक टेस्टिंग होती है कि गाड़ी जो है फिट फॉर सर्विस है कि नहीं, वो फिट फॉर सर्विस जो है यहाँ से जो हमारा स्टाफ है देखता है, चेक करता है कि सारे जो इसके पैरामीटर्स हैं विद इन लिमिट्स होते हैं, तभी जो हम गाड़ी को अलाउ करते हैं कि वो सर्विस में जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पूरा मेंटेनेंस हो जाता है उसके बाद यहाँ से चेक किया जाता है कि सारी चीज़ें अप टू डेट हैं या नहीं हैं। जब सारी चीज़ें अप टू डेट होती हैं तब उसी के बाद इसको सर्विस के लिए आगे भेजा जाता है। यानी जो आपको वंदे भारत की जो सेवा मिलती है उसमें कई लोग काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, और जब जो मेंटेनेंस होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सकूर बस्ती ट्रेन सेट के डिपो के अंदर किस तरीके का मेंटेनेंस है और यहाँ पर कई और चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि और क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम चलता है, और यहाँ ट्रेन जो खड़ी है आईबीएल पे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यह अत्याधुनिक सुविधा है क्योंकि इस ट्रेन से डिपो को हाल फिलहाल में बनाया गया है, यहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, सकूर बस्ती डिपो, दिल्ली।